हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब मजे में ही होंगे। तो आज फिलहाल होली और होली के दिन हम उठ चुके हैं। बहुत जल्दी तो नहीं उठे, फिलहाल 9 बजे ही उठे, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठे। वैसे तो मैं 7 बजे से उठा हुआ हूँ। 7 बजे उठा, उसके बाद मैं बोला कि आज थोड़ा सोते हैं, तो इसके लिए 8 बजे का अलार्म वापस लगाया और फिर वापस हो गया। तो फिर 8 बजे वापस उठा और फिर मेरी डेली की रूटीन लाइफ्स मैंने चालू की। एंड आफ्टर अभी ब्लॉग चालू किया, 9 बजे। तो आज काफ़ी एंटरटेनमेंट होने वाला है, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा काम भी है मेरे को। तो पहले काम ख़त्म करेंगे, उसके बाद एंटरटेनमेंट करेंगे, क्योंकि क्योंकि अभी दोपहर में भी नहीं घूम सकते, बहुत ज़्यादा धूप वगैरह है। और लेकिन होली के दिन एटमोसफियर ही काफ़ी अलग है। अभी तो फ़िलहाल थोड़ी बहुत धूप है, वरना सुबह काफ़ी सेक्सी एटमॉस्फेयर था। अभी देखते हैं आगे होता क्या है। तो चलो, आज घर में क्या है फिलहाल एटमॉस्फेयर में वो देख लेते हैं। और मम्मी, क्या प्लान आपका होली का? कहाँ घूमने जाने वाले होली पे? कहीं पे नहीं। कहीं पे नहीं तो आशीर्वाद जाने। यहाँ पे मेरा यूज किए जा रहे है, हमारा मामा अर्थ का। कौन सा है? यानी हमारे घर पे सब मामा अर्थ का यूज वगैरह होता है। चलो, अभी फिलहाल मेरे को थोड़ा बहुत काम है यहाँ पीसी में, वो ये थोड़ा बहुत काम, एडिटिंग खत्म करते हैं, उसके बाद मेरे को नहा धो के घर से निकलना पड़ेगा। तो चलो पहला फटाफट काम खत्म करते हैं, उसके बाद घर से बाहर निकलेंगे, ठीक है? चलो काम खत्म करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे दोपहर के बजे 12 और मैं फिलहाल घर से निकलने वाला हूँ। तो आपको पता है कि सर्दी हो या गर्मी, मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। और अभी फिलहाल सूरत में मेट्रो का काम चल रहा है, तो बाहर बहुत ज्यादा धूल मिट्टियाँ वगैरह उड़ती है। तो मैंने अपनी स्किन केयर के लिए मंगवाया है मामा अर्थ का हनी मलाई फेस वॉश। ये हर तरह की गंदगी को, धूल मिट्टी को मेरे मुंह से निकाल के बाहर फेंकती है। इसकी वजह से मेरा फेस स्मूथ, ग्लोइंग और लाइट हो जाता है। हनी आपके फेस को प्रायोरिटी देता है और मलाई आपकी स्किन को स्मूथ करता है। इसको यूज ना बहुत ही सिंपल है। इसको अपने हाथों में लीजिए, उसके बाद अपने फेस पे धीरे धीरे रब कीजिए, उसके बाद अपना मुंह धो लेना है और देखना आपके मुंह पे निकलती है एक चमक। उसके बाद मैंने दूसरा प्रोडक्ट मंगवाया है, हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। और काफी लोग के दिमाग में आएगा कि हनी और मलाई काफी चिपचिपा हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिमाग में बैठ चुका है कि हनी और मलाई की वजह से आपका फेस चिपचिपा हो जाएगा। ये एकदम नॉन स्टिकी फॉर्मूला में है, जिसे लगाने के बाद आपके फेस पे चिपचिपा नहीं रहेगी। उसे लगाना बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर सेम इंग्रेडिएंट्स है और इसे यूज करना भी बहुत इजी है। उसको अपने हाथों में लेना है, उसे अपने फेस पे धीरे धीरे लगाना है एंड उसके बाद के फेस पे चिपचिपा नहीं, ग्लो होगा, ग्लो, और आपका फेस शाइन होगा। मुझे पता है कि आप लोग को डिस्काउंट चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, मेरा कूपन कोड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मसरू 2023। मेरा कूपन कोड यूज करने से आपको मिलेगा 20% ऑफ, वो भी मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर ऐप से। जब भी आप मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप बाय करते हो, तो आपको लिंक करेगा एक ट्री के साथ जो उन्होंने प्लान किया होगा। मामा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लान करने का। तो आप भी बाय कीजिए और आप भी ये प्लान का हिस्सा बनिए। मामा अर्थ के प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट और नाइका पर भी अवेलेबल है और आपके नजदीक के स्टोर पर भी। अगर आप नजदीक के स्टोर में मामा अर्थ का प्रोडक्ट कहीं पे भी देखते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी हम निकलते हैं, तो चलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो चलो चलते हैं। अभी फिलहाल होली एंजॉय करते हैं। चलो, यहाँ पे होली आ चुकी है लोग की। दिखा है, हाथ दिखा, क्या है? पोटली मारेगा ऊपर से? ऊपर से किसको मारेगा? वो आ रहा है पोटली। बुला बुला उसको, बुला फटाफट। यहाँ पे मेरे बुलाने पे ये आ चुका है ये बंदा। क्या हुआ? उसकी मम्मी देख रही है। बच गया यार, मस्त गेम प्लान किया हुआ हमने और फिलहाल बच चुका है यहाँ पे। चलो रे, यहाँ पे फिलहाल होली की तैयारियाँ चल रही है, हर साल की तरह इस साल भी इतने यही लोग होते हैं होली की तैयारी करने में, और कोई ज्यादा नहीं और कोई कम नहीं। ब्रो हैप्पी होली, ब्रो हैप्पी होली। पतंग यहाँ पे आ चुके हैं, ये बहुत महंगे पतंग होते हैं, ये वाले जो होते हैं ना, बहुत महंगे पतंग होते हैं। यहाँ से एक बंदी देख रही है, हाँ सीधा सीधा कैमरा देखते ही ऐसा ऐसा कर देती है ये। यहाँ पे हो चुके हैं लोचे, क्योंकि महाराज आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी तैयारी अभी तक बाकी है। महाराज इतने जल्दी क्यों आते हो यार? अरे आवे नहीं तो क्या करें, आगे जाने का है भाई यार। हाँ, आगे कितनी होड़ी जलाना है आपको? तीन
होली मंगलाना है शब्द में सुना मंगलाना ओके यार होली मंगलाना होली मंगला भी है ओके हां आप जब सिखाओगे तब हम सीखेंगे ना सही जवाब तो होली मंगलाने का आपने को बेहाड़ू जजमान से बोला भी लो जरा महाराज ने अर्धो कलाक बेहाड़ साइड में इंटरव्यू ले है नो એટલે અડધો કલાક માં પેલો નાઈ ધોઈને આવતો રહે महाराज 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 बहुत जल्दी आ चुके हैं यहाँ पे फिर कोई नहीं अभी देखेंगे अभी महाराज को थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा क्योंकि होली अभी बनाई है हमने आधा घंटा मैं पूछूंगा कि एक एक करके आके तुम लोग सब पूछ लो आधा घंटा ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे बुलाया बुलाया यानी कब जल जाती है पता ही नहीं चल रहा ये भाग 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 मांग ले भाई तू भी मांग ले अगले साल शादी हो जाए हर बार बहुत ज़्यादा पब्लिक होता है इस बार बहुत जल्दी जलाया उसके लिए पब्लिक नहीं है यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक ही नहीं है ना ये हमारे दोस्त लोग हैं सब के सब ऑफिस है यानी अभी सब आएंगे उसके बाद सब सब ये नवड़ी है और मैं फिलहाल सब काम खत्म करके आया हूँ भाई इधर नवड़ा नहीं हूँ यार बहुत जल्दी गिर गया यार स्नैप भी नहीं आया अभी कैसे स्टोरी कैसे रखूँ मैं अरे बाप रे कोई नहीं काम कर मेरे को 1000 रुपया दे दे मैं तेरे को स्लोमो दे दूंगा 1000 रुपये महंगा नहीं है कुछ महंगा है कुछ बार्गेनिंग करो ना भाई बार्गेनिंग में हो जाएगा चल एक काम कर 700 रुपया दे दूंगा 700 रुपया रैंडम में ऐसे जला हुआ डाल दूंगा अरे यार ऐसे स्नैप वाले लोग ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते पूरा घर नाम पे कर देते घर नाम पे कर जाएंगे इसमें स्नैप में सब चला जाएंगे किसी की बंदी जा रही है क्या बंदी जाएगी चल गया घर नहीं जाना चाहिए अच्छा ऐसा है क्या जिसके पास ज्यादा स्टॉक रहता है ना वो ऐसा बोलते हैं इसके थ्रू किसी को जता रहा है तो फिर वो देखेगी मेरे को ऐसे मत बोलो जो आती होगी वो भी नहीं आएगी चार तो लेके बैठा है और कितनी चाहिए भाई तेरे को नहीं है सारे दुख दर्द यहाँ पे खत्म होते हैं इसी के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं हम और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वावा जोरा आते हुए उड़ गया मैं उड़ गया सच में बहुत ज्यादा पवन है देखो देखो यहाँ पे आप एक ही बारी में बहुत हैवी हो गया बहुत ज्यादा एक बार के लिए तो मैं डर गया कि भाई के वापस उठ एक के पास खड़े थे यहाँ तक आगे हम लोग God, please, no! 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 एक बार के लिए तो मैं डर गया भाई इतना ज्यादा पवन क्यों आ रहा है हाँ बहुत ज्यादा आ रहा है डर लगता है भाई क्योंकि कभी भी कुछ भी हो रहा है पवन कम हो गया ज्यादा हो गया ले तुमने कैमरा घुमाया इतने पवन आज सुबह से माहौल ही अलग है पूरा का पूरा माहौल अलग है कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है पता नहीं है लेकिन मेरे को तो लग रहा है ब्लेसिंग्स है इतने सालों में कभी नहीं हुआ इस साल ही हुआ तो सोचो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है इस साल क्या बोल रहे तेरी दूसरी शादी होगी समझ तेरी दूसरी होगी अभी एक महीना डंडी गिरेगी तेरे को तेरी तो जो भी 4-5 है वो चली जाएगी और तेरे को हो जाएगी तेरा तेरा सब हो जाएगा तेरी फुल दाढ़ी आना चालू हो जाएगा फुल दाढ़ी करे और तेरे को नहीं नहीं मिलेगा क्या मिलेगा चॉकलेट पान भगवान ये उम्र में तेरे को पान खाना है वाह बेटे तो यहाँ पे बिना खाना वाना खा के आ चुके और यहाँ पे तैयारियां चल रही है हमारी एपीएल की चुनाव मैच की तैयारी चल रही है एपीएल का यार दिखा यार ब्रो ये अपनी टूर्नामेंट है स्पॉन्सर चाहिए दिखा यार तू दिखाएगा तो स्पॉन्सरशिप सब मिलेगी यार व्लॉग में यार ऐसे स्पॉन्सर नहीं मिलने वाले हैगर नहीं हैगर नहीं एपीएल से देख लो हैगर नहीं ओके एपीएल है यार ब्रो यार यस स्पॉन्सर्स वगैरह अरे यार बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप आ जाएगी चाहिए स्पॉन्सरशिप चाहिए इसके लिए लोग ने बोला मेरे को कि मैं हमारे ब्लॉग मैं तो ये एपीएल वगैरह का लेना ही नहीं वाला था लेकिन ये लोग ने बोला कि स्पॉन्सरशिप चाहिए तो मैंने बोला ठीक है ले लेते हैं क्या ये अभी नहीं है भाई तू रेंड नहीं बनेगा तो भी चलेगा वे टाइटल स्पॉन्सर इसका नाम लिख भाई टाइटल जो क्यों क्या चलो मैं खेलने ही नहीं वाला हूं चला मैं जब तक नहीं आता ये लोग काम ही नहीं चालू करते यार क्या मैनेजमेंट है यहाँ पे 50-60 ऐसे कुर्सी चाहिए वहाँ पे सब बैठेंगे ऐसा यार होता है यार क्या यार ये कार्यकर्ता क्या कर रहे हो तुम लोग अरे आ रही है कुर्सी ये भी यार छोड़ो अभी सब बच्चे लोग पे छोड़ दिया इन लोग ने सब लोग आ जाना अभी इलेक्शन चालू होने वाला है
यानी अभी क्या है ना, अभी यहाँ पे ऑक्शन वगैरह होने वाला है, तो देखते हैं ऑक्शन में कैसी कैसी टीम बनती है, किसकी टीम ज्यादा मजबूत बनती है, किसकी कम मजबूत बनती है। बोल रहा है उसको कोई टीम में ही नहीं लेने वाला, मैं तो सिर्फ ब्लॉगिंग करने मैं तो सिर्फ स्पॉन्सरशिप देने के लिए आया हूँ। यहाँ पे स्पॉन्सर्स नहीं है तो मैंने बोला स्पॉन्सरशिप दे देता हूँ, बहुत सारा पैसा, इतना पैसा लेके मैं कहाँ जाऊंगा इतना पैसा लेके। क्या तो यहाँ पे फिलहाल मैंने इन लोग को ऐसा बोला कि यार पीछे कुर्सी होनी चाहिए, तो इन लोग ने बहुत ही सीरियसली ले लिया, तो अभी फिलहाल हम कुर्सी लेने के लिए जा रहे हैं। मैंने बोला और मेरे को ही भेजा इन लोग ने। तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हुआ? अब तुम्हारी वजह से हुआ है, हमें लगा आप लाने वाले हो घर पे गोडाउन है क्या कुर्सी का कि मैं लेके आऊंगा। तो यहाँ पे फिलहाल एक स्टॉक हमारा लग गया डेस्क का, और बाकी का अभी तीन तीन स्टॉक और लगाना है। दो आदमी ऑलरेडी पीछे आ चुके हैं, यानी मेरे को कुछ काम नहीं करना है। बच्चे लोग ने मेरा काम ना बोला कि आप काम मत करो भाई, शांति से चलाना। यहाँ पे माहौल देख सकते हो हमारी सोसाइटी में, ऐसी ऐसी प्रीमियर लीग आपकी सोसाइटी में भी आप करो, यहाँ पे ये लोग आ जाएंगे मैनेजमेंट के लिए, है ना? अंपायर आ रहे बड्डू छे ए टू जेड, इट इज दैट, खाली पैसा फेंको ना। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा सेटअप। देवेन के डेंजरस, मनीष के महारथी, धर्मेश के धुरंधर, पिंकेश की पलटन, हेमंत के हसलर्स, धर्मेश के डेयर डेविल्स। बहुत ही अच्छा नाम खुद डिजाइन किया है, बहुत अच्छा है, नाम के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है तो काफी अच्छा है, किसी का कहीं से लिया हुआ नहीं है, खुद बनाया है, अच्छा लग रहा है, मजा आएगा। जो भी खेलने वाले है ना उसको ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, कैटेगरी हिसाब से चिट्ठी में जो आए वो नसीब। तो अभी देखते हैं हम कौन सी टीम में आते हैं, ये तो मेरी नीचे की कैटेगरी में, तो हम दोनों साथ में भी आ सकते हैं दोस्तों, तो ये बी ग्रुप में है, मैं ही ग्रुप में हूँ, तो हम दोनों के साथ में आने के चांसेस ज़्यादा है, तो देखते हैं अभी फिलहाल। चलो तो अभी देखते हैं अभी कौन सी टीम में आ रहे हैं, मेरा फर्स्ट राउंड में है, मेरा ये कैटेगरी में है, ये कैटेगरी में हम देखते हैं। आ जा सामने, मेरा दूसरा गोली है। चलो मेरा आ चुका है यहाँ पे, चलो हमारा फिलहाल हो चुका है, हम आ चुके हैं। चलो बेटा अपना खोलो, अपना अपनी टीम की ये है आइकॉन हमारी, अभी हमारी टीम कौन आई हुई, और जरी वाला, और जली वाला, वाह भगवान ने हमारी सुन ली, हम दोनों ने अभी डिसाइड किया कास्ट तो मेरे में आता, वाह बेटे वाह, हम दोनों जिगरी यार, पुराने यार, चद्दी लंगोट वाले यार एक साथ में आ चुके हैं, यानी अभी यार बहुत हार्ड होने वाला है, वेरी टफ यार। हमारा तीसरा प्लेयर आने वाला है, चौथा प्लेयर, हमारा चौथा प्लेयर कौन है यार? मनोज जरी वाला, मनोज, मनोज भाई कौन? अरे भाई पूरा तेरे घर लेके आ रहा है भाई, तेरा पूरा घर लेके आ रहा है। हाँ अकेले खेलने का है भाई, हम दोनों को ही अकेला खेलने का है। या ब्रो या ये चाहिए थे हमको, बस सिर्फ ये मेरे पापा, लेकिन नहीं आया, अफसोस। चलो यार हमारी वेलकम टू अवर टीम, चलो अच्छा अच्छा बॉलर मिल गया, 7 बजे आना है प्रैक्टिस में, कल से 7 बजे बुला ले प्रैक्टिस में। कॉलेज कौन जाएगा? कॉलेज गया टेल लेने, सब बाहर में गया, वो पास करवा लूंगा मेरा नाम लेके, हो जाएगी बस बस। तो अभी कल से रोज सुबह 7 बजे प्रैक्टिस में आ जाना। आगे वाले में हम लोग जीते थे, डोंट वरी। जीते थे मतलब क्या होगा, ये टीम अलग है, हम तीनों को ही खेलना है। हाँ मेरा मेल से कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग को ही करना है सब। यहाँ पे ऑक्शन हो रहा है कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आवाज हो रहा है, मैं उड़ जा रहा हूँ, अभी कैंसिल हो गया। बहुत खतरनाक टीम हुई हमारी, बहुत खतरनाक। पहले 3 प्लेयर तो नहीं मजा आये, उसके बाद जो खिलाड़ी आया ना हमारे में, सेक्सी, मजा आ गया, कुछ घटे ना वैसा।
लेकर अपना कौन से सोनल आंटी बहुत ही लंबे बल्लेबाज हमारे में आते हुए यहाँ पे बहुत ही लंबे कट के बल्लेबाज हमारे में आते हुए सिक्स पे खड़ा रखेंगे उसके बाद ऐसे ही बॉल पकड़ लेंगे ऐसे यहाँ पे हमारा हर्ष भाई बहुत ही खुश है उनकी टीम बहुत ही हैवी बनी है ऐसा मैंने सुना है अच्छी टीम है क्या नहीं अरे दो तीन लोग ही काफी हम लोग पूरी टीम बेटे ऐसा नहीं रख देगा पूरी टीम का होना बहुत जरूरी है ये मैच है कुछ भी हो सकता है